नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक बार फिर आपके सामने पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने पर्यटन पर काफी विस्तार से चर्चा की, आज मैं आज जो विषय आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ वह है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पर्यटन से संबंधित जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश उस पर हम आज डालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम जो टूरिज्म का है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है और अनेक विद्यार्थी यहाँ पर अपना प्रवेश लेकर के अपना इसमें करियर बना रहे हैं। तो टूरिज्म ही क्यों, या पर्यटन या ट्रेवल और टूरिज्म ही विषय को क्यों चुनना चाहिए आफ्टर ट्वेल्थ, या जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया उनके लिए भी यह क्यों उपयुक्त विषय है पढ़ाई करने के लिए, उस पर हम एक चर्चा करते हैं। समझते हैं ट्रेवल और टूरिज्म को। ट्रेवल और टूरिज्म का जो प्रोग्राम है वह स्टूडेंट्स को ट्रेवल और टूरिज्म के बारे में थोरो अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बना हुआ है। इसका सिलेबस इस तरह से बना रखा है जो विद्यार्थी कन्वेंशनल मोड पर उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है वे डिस्टेंस मोड पर पर्यटन की पढ़ाई कर पाए। यानी वे लोग जो इस वक्त इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं, पर्यटन से संबंधित इकाइयों में जुड़े हुए हैं, वे लोग भी यहाँ पर एडमिशन लेकर के प्रवेश लेकर के काम के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इनके सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या क्या है, वो ये है। इट कंटेन्स डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजिंग एंड प्रमोटिंग ट्रैवल एक्टिविटीज सच एज अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सपोर्ट एंड इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द इकोनॉमी, कल्चर एंड एनवायरमेंट। इसका मतलब यह है, मैंने इस लाइन में पूरे के पूरे सिलेबस को कंपाइल करके आपको बताया हुआ है कि क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, कि पर्यटन के अलग अलग स्तंभ क्या क्या हैं। पर्यटन किसी भी स्थान पर जो होता है वह इस वजह से होता है कि वहां पर अट्रैक्शंस क्या क्या हैं, अट्रैक्शन आकर्षण किन किन चीजों का है, पहली चीज। दूसरा, अकोमोडेशन, रहने के लिए व्यवस्थाएं क्या है, होटल्स चाहिए, होम स्टे चाहिए, क्या अवेलेबल है। फिर आता है तीसरे नंबर में ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो जो है वहां पर अवेलेबल है उस स्थान में जाने के लिए, जैसे सड़क से जाना है जा सकता है, एयरवेज से जा सकता है या रेलवे से, तो क्या वहां पर मौजूद है। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, समझना होगा, और साथ ही साथ यह भी जानना होगा पर्यटन जिस स्थान पर हो रहा है उस स्थान पर, इस पर्यटन के होने की वजह से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन पर उस स्थान की, और उसकी कल्चरल और उस एनवायरमेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी ओवरऑल एक ऐसा सेट ऑफ बुक्स बनाया गया है जिसमें विद्यार्थी को पर्यटन से संबंधित सभी चीजें उसके अंदर उसको समाहित करके पढ़ा जाएगा। इसमें आपको बड़े बड़े होटल्स के बारे में, उनके अंदर सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट के कोडिंग्स के बारे में बताया जाता है, रेलवे में बुकिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बताया जाता है, ट्रेवल एजेंट्स की कार्यविधि, उनके कार्य रूपरेखा के बारे में बताया जाता है। तो ये एक प्रकार से सीधे व्यवसाय से आपको जोड़ता है। ट्रेवल और टूरिज्म प्रोग्राम हैज ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द डायनेमिक ब्रॉड वर्ल्ड ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म। इसके बाद जो बच्चा यहाँ अध्ययन करेगा उनके लिए लाभ किस प्रकार से मिलने वाला है, वो यह मिलेगा कि जिस व्यक्ति को इसके कोर, टूरिज्म के कोर के विषय में जानकारी मिल जाएगी, तो वह इस एलिजिबल हो जाएगा कि वह कल को कहीं अच्छी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में अपने आप को जोड़ सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे ट्रैवल और टूरिज्म का ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा ही सहयोग है। आज अगर हम ग्लोबल दुनिया में अगर इसको समझना चाहें इकोनॉमी को, तो टूरिज्म अपना बड़ा स्थान रखता है। तो यानी जॉब्स की भरमार है। आप होटल्स में ही नहीं, आप ट्रेवल एजेंसीज में काम कर सकते हैं। जैसे लोग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बुकिंग करते हैं, तो उनको संचालित करने के लिए बैक ऑफिस में हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो वे लोग हैं जो इनको पढ़ करके आगे जा रहे हैं, जो इनकी बारीकियों को समझ करके आगे जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स जो बनता है वो इनको पढ़ करके आगे जाएगा। सो नेक्स्ट, मैं इसमें बात करूंगा स्कोप, किन किन फील्ड्स में आपको मिलेगा जॉब। पहला है ट्रेवल एजेंट्स। ट्रेवल एजेंट एक कॉमन नाम है, उनका काम अगर समझे तो वह किसी भी गेस्ट के टूर पैकेज को बनाने के साथ लोकेशंस के बारे में डिटेल, होटल्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, सब उनके पास केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। दुनिया भर में कहीं भी आपको रेलवे,
एयरलाइंस, क्रूज और होटल्स की बुकिंग करा करके देते हैं। इनसे कराने में क्या लाभ है? अगर आप कहीं किसी होटल्स की बुकिंग या रेलवे की बुकिंग या एयरलाइन की टिकटिंग आप यदि वॉक इन करते हो या FIT के तौर पर करते हैं तो यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस। ट्रेवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं इनके टिकट्स ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, हर एयरलाइन में, रेलवेज में, क्रूज में इनकी बुक होती है, यानी कि मंथली या 6 मंथ में एनुअली इतने हमारे ट्रेवलर्स आपके पास आएंगे ही आएंगे। अगर गूगल में अभी चेक करेंगे दिल्ली टू मुंबई एयरफेयर तो आपको लगभग 7,000 या 8,000-9,000 के बीच में वेरिएशन मिलेगा। हो सकता है अगर आप किसी टूर एजेंट से करवाएं तो वो आपको अंडर 7,650 पर भी करा कर दे सकता है। दैट ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल पीपल आर वर्किंग बिहाइंड इट, दे हैव ग्रेट लॉबी विद द पीपल दोज हु आर कंटिन्यूअसली गिविंग बिजनेस टू देम, उनसे उनको लगातार बिजनेस मिल रहा है तो उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस रहता है, तो ये बड़ा फायदा है। उसके बाद टूर गाइड्स, यस, अलग अलग लोकेशंस पर ट्रेवल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लोग BBA टूरिज्म, MBA टूरिज्म, ये सब करने के बाद टूर गाइड कहने में लगता है कि बहुत एक निम्न तबके का काम होगा, लेकिन टूर गाइड हैज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिस्ट को गाइड करना। अगर कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना, उसके बारे में डिटेल बताना है, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। मिस गाइड नहीं करना, कई सारे लोग को पता नहीं होता है लेकिन वे टूरिस्ट को मिस गाइड करते हैं, वो एक बैड रेपुटेशन बनकर जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट बाद में चेक करते हैं कि उसने मुझे क्या बताया और सच क्या है, तो इट गिव्स अ बैड, इट प्रिपेयर्स अ बैड इमेज बिहाइंड जब वे अपने देश जाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग गुड टूर गाइड्स प्रोफेशनल्स। देन होटल एंड रिजॉर्ट स्टाफ का तो मत पूछिए बेटा, इतना स्कोप है इसमें कि जो बच्चा BBA टूरिज्म या फिर MBA टूरिज्म का कोर्स करता है, BTTM का कोर्स कर लेता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वे लोग आसानी से किसी 4-star 5-star होटल्स या रिजॉर्ट्स में बड़ी इजीली जॉब वहां पर उसको मिल सकती है। और सारे डिपार्टमेंट्स, दे कैन वॉक इन फ्रंट ऑफिस, दे कैन वॉक इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट, दे कैन गो टू बिकम अ गुड सेफ ऑल्सो, दे कैन गो टू बिकम अ गुड हाउसकीपर ऑल्सो, सो देर आर मैनी ऑप्शंस फॉर पीपल टू वर्क इन होटल। देन एयरलाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन, after completing these courses of tourism related courses people easily can get job in airlines mein aapke paas kya kya ground staff sabse easily log wahan par jaate, ground staff means those who are dealing with the customers in the airport, then maintenance workers and transport organizers are there, to in job in mein aapko mil sakti, these are different profiles for you। Then next slide says इवेंट प्लानर्स, आज के समय में अभी कुछ बड़े बड़े डेलीगेट्स ने अच्छे अच्छे लोकेशंस पर बड़ी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज करे थे, तो दे अगर हम समझे तो इट मेक्स अस प्राउड टू अंडरस्टैंड दैट दोज पीपल चूज उत्तराखंड फॉर इवेंट मैनेजमेंट for making a event in Uttarakhand, so Oli has been one of the example। तो event planner का बड़ा budget का काम होता है, इसके बारे में बारीकियाँ सीखना है, कैसे कैसे transport facility लोगों को देनी है, accommodation क्या क्या रहेंगे, उसके बाद event में क्या क्या, अगर banquet setup की बात करें कैसा रहेगा, menu क्या रहेगा, these all things can be discussed। Travel writers and bloggers, ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आजकल काफ़ी boom कर रहा है। सो दीज, ये कौन लोग होते हैं जो अपने ट्रेवल में मतलब यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं, इधर इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी, और इधर बाई राइटिंग ब्लॉगिंग्स, ये भी अच्छा चल रहा है, पब्लिकेशंस ऑल्सो। सो दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट राइट नाउ, ट्रेवल फोटोग्राफर्स, दीज आर ऑल्सो हैविंग गुड स्कोप इन अपकमिंग ईयर्स, कैप्चरिंग सीनिक मूवमेंट्स एंड डेस्टिनेशंस फॉर प्रमोशनल मटेरियल एंड ट्रेवल पब्लिकेशंस। सो इस चीज को ये वाला और ये वाला, ये आप अपनी हॉबी से जोड़कर चलेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड कैन बी अ गुड वेन्यू फॉर यू पीपल टू फाइंड योर गुड जॉब इन लोकल एरिया ऑल्सो। ट्रेवल सेल्स एंड मार्केटिंग, जब आप किसी इंडस्ट्री से जुड़ते हैं जो ट्रेवल से रिलेटेड है, तो दे पीपल हैव दिस
डेजिग्नेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो क्रूज शिप्स एंड स्टाफ। ये जो पीपल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रहे हैं दे विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन क्रूज शिप्स एंड स्टाफ ऑल्सो। ये कुछ लिमिटेड मैंने आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, बट वी कैन से नॉट द लीस्ट। यस एंड द नेक्स्ट इन दिस स्लाइड वी विल बी गोइंग टू नो अबाउट ट्रेवल टेक्नोलॉजी एंड बुकिंग प्लेटफॉर्म्स। अगेन अ प्रोफेशनल नीड टू नो अबाउट दीज वेबसाइट्स लाइक वेन एवर वी मेक अ बुकिंग वाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो देर आर सम टेक्नीशियंस हु आर हैंडलिंग आवर बुकिंग्स इन बिहाइंड। So, jobs in technology companies that develop and maintain travel booking websites, apps and software. Software development और इसके लिए भी travel management का course फायदेमंद हो सकता है। Then travel insurance and safety. Roles in insurance companies and safety agencies that ensure travelers protection assistance during their journeys. ये भी एक नई चीज है आजकल। इंश्योरेंस कैसे होगा, क्या होगा, उनको गाइड करना, उनको बताना। Once we leave our home, then there is a issue that raises up about the protection and safety. So there are chances for you people to guide them, let them know how they can be protected by government policies or private policies also. Both options are available over there. Now we are going to discuss about the courses being run in Uttarakhand Open University related to tourism. Yes, you can go to website, will find BTTM, Bachelor of Tourism and Travel Management. Right now DTS also we are running, that Diploma in Tourism Studies and Diploma in Hospitality Administration. These all courses are very beneficial for each of you who has completed their 12th or those who have a plan to fly out of their country as well, as they can easily choose this and they can work on it. Then next is the way how you can take admission in these courses are nothing. The process is online. There are two sessions in 1 year. One is in summer season, second starts in winter. So if you have missed the opportunity of summer season, you can start in winter also. That there are two options for you, there are two offers for you. Then you have to go to Google and type UOU simply and you will find the admission process and click on admission and go through. Then you have to attach your documents and all. Then admission process is very easy for you. If you feel any uncomfort, you can call us anytime. You are given different numbers, you are given different emails also. And on the other hand, once you take admission in Uttarakhand Open University any course, you people will be allowed to contact us anytime. You are free and you will be helped by different ways. So fees is very nominal in each course. So we will say you can share this video or this information to your colleagues also to catch us, to join us. Thank you so much. See you soon. Thank you.